अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। शहराज गार्डनिंग आई है, खुश आमदीद, वेलकम कहने जनाब अपनी गार्डनिंग से सारे दोस्तों। उम्मीद करने कि सारे ठीक ठाक हो गए, सारे राजी खुशी हो गए। तो असं तुहाडे सामने आ अपनी गार्डनिंग अपने काम से। असा एक जनाब मदर प्लांट लाया सी, ते पौधा तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, तो फल आया उन्होंने अलहमदुल्ला। तो फल जरूरत न बहुत ज़्यादा आ गया, पौधा छोटा है तो फल बहुत ज़्यादा आया। तो तुम फल विखाने तो आइडिया दसने कि उन्होंने फल क्यों ज़्यादा आया। फल तो अल्लाह ने दिता है, पर असा जी कोशिश की अपना तजर्बा तुम्हारे शेयर कर रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह चलने उस पौधे के कोल जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो दोस्तों, ए वाला साडा फल है, ए वाला साडा फल है अलहमदुल्ला। यह फुल भी आ रहे हैं। तो यह देखो पौधे की जशामत देखो तुम, तो फल देखो, यह गुच्छे देखो माशाल्लाह अलहमदुल्ला। यह फल लगा हुआ ठीक है दोस्तों। उधर देखो फल, उस साइड तो मैं खाना तुम्हें पौधे का। यह देखो फल, यह सारा ही उन्ने पत्ते नहीं जिन्ना इन फल आया। तो फल ए मिठे का, झूसन वाला मिठा। तो ये दोस्तों कोई हाईब्रैड नहीं, कोई एडा वी आई पी नहीं। वी आई पी का मतलब कि जिन्होंने लोग एवं झूठ बोल बोल के बड़ा हाईब्रैड है। पौधे की उम्र ज़्यादा तो ज़्यादा ज़्यादा तो ज़्यादा 2 साल होनी है। तो ये 2 साल का जो मैं लाया सी तो उदो एडा दोस्तों एडा मेरे हाथ लैके एक वरायटी चंगी है, एड्डी गंदी नहीं है, अच्छी वरायटी है। तो बारिश भी आ गई है, तो बिच बिच कनिया तुम पैदा मेरे तो नज़र आदि होनी ने बारिश दियाँ ये। तो यदा आइडिया तुम्हें यह देना कि दोस्तों इन और लवाई गई है, जिन्हें फुल आए हैं तो इस पौधे असं और लवाई है। और का मतलब कि उन्हें पानी रोक दिता है, फुलों से पानी रोक दिता है। इन्हें अलहमदुल्ला अल्लाह के फसल न 98% फल खिला रहा है, बाकी कुछ फुल किरे ने, कुछ चंद एक फुल किरे ने। तो पानी यदा बंद कर दिता सी, पहला पानी लाया उदन उस साइड के मोड़ वाल कैमरामैन मार के विखाएगा कि यह वेखो तुम थोड़ी जी ना मैं थोड़ी जी देखो गौर न थोड़ी जी झड़ी माड़ी है। तो दूसरी साइड तो भी विखाओ जी साढ़े छोटे किन्नू के पौधे, यह साढ़े छोटे किन्नू के पौधे ने क्यारी दे अलहमदुल्ला। तो यह वरायटी लाई सी असा मदर प्लांट वास्ते ठीक है। तो यह थोड़ा जहा वट भरा के इनू पानी दिता, बाकी जगह उच्ची सी यानी कि और लवाई है। आप खुद ये दोस्तों पानी असा रोकया सी। तो तुम हम पौधे का मुआवजना करो, पौधे देखो तो पानी रोकने का कि फायदा होया। सी उ नवी कौंपल कोई नहीं आई, नवी पूंगर नवी फोट कोई नहीं है, पुरानी है। तो नवी फोट के नाल देखो ना तुम फुल भी इनू आ रहे हैं अलहमदुल्ला। तो बारिश भी तेज हो गई है दोस्तों। तो यदा आइडिया है कि तुहाडे कोल लगे होन तुरशावर पौधे लगे होन फल वाले, किन्नू फ्रूटर मौसमी रैड ब्रैड हाईब्रैड कोई वरायटी जी तुहाडे कोल लगी हो, चकोदरा वगैरह भी कोई लगा हो तो दोस्तों तुम ना वह जो फुल आने ने ना फुल आते हैं 15 फरवरी के बाद तो मार्च अप्रैल तक फुल आते रहते हैं। तो ये वरायटी थोड़ी स्पैशल है साड़ी कि वेखो हूँ तक फुल आ रहे हैं। ये एज ए नर्सरी वाला असं तैयारी कर रहे हैं। तो यह भी वेखो अलहमदुल्ला फुल आ रहे हैं। तो ये थले देखो कि एक दाना नहीं किरिया, थले विखाने की कोशिश करो कैमरामैन, थले एक दाना नहीं किरिया अल्लाह के फजल नाल। नवी पोंगड़ भी नहीं आई, ये पानी रोकने का मामला है, तो अल्लाह की रहमत का मामला है ठीक है दोस्तों। तुम भी अपने जिन्हें भी थोड़े सीडलैस हो कोई भी वरायटी के होन तुरशावर फल केरे केरे किन्नू नींबू फ्रूटर मौसमी चकोदरा सीडलैस जिन्हें भी ने सीड तो बगैर ने तुरशावर जिन्हें भी फल ने जू ही उन्होंने फल आन लगे फुल आन लगन तो दोस्तों उन्होंने तुम पानी रोक देना है। खुराक उन्होंने पहला अच्छी देनी है, अच्छे तरीके खुराक देनी है। ऐसा नहीं कि खुराक ही देनी मरियल कर देना, उन्होंने खुराक अच्छे तरीके देनी है उसको पहला। तो फिर जो फुल आने पानी रोक देना जू ही वो दाने इस साइज के बन जाए, यह साइज बन जाए तो फिर दोस्तों उन्होंने पानी तुम देना है। तो फिर पानी देते रहना तो फिर फल सारा खलोता रहेगा, तो पौधे के पत्तियां नालों ज़्यादा फल आएगा। ये तुम्हें आइडिया देना सी अपनी गार्डन खड़े हाँ अपने काम से खड़े हाँ अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला। तो यह देखो यह पौधा देखो साढ़ा, यह खट्टी का पौधा है, ये थले असी प्यौंद भी लाई है। तो ये जिदन जो हूँ गर्मी के दिन ने गर्मी बहुत ज़्यादा है, प्यौंद लगी हुई ठीक है दोस्तों। यह धागा लगा हुआ ठीक है। ये साडा ओरिजिनल किन्नू ऐ वाला है, बाकी है खट्टी है। जो यदा टाइम आएगा तो इंशाल्लाह तुहानू प्यौंदकारी करके दसांगे। मैं अलहमदुल्ला अपने हत्थां नाल लाइया ने प्यौंदा, यह वालिया प्यौंदा मैं अपने हत्थां नाल लाइया ने। तो ये भी अच्छी वरायटियां ने चंगियां ने, इन्हां दे मतलब भी गल करांगे अल्लाह मौका देगा तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। चलो दोस्तों तुहानू साडी वीडियो अच्छी लगती हो
साडे चैनल नूं सबसक्राइब करना है, बैल आइकॉन दे बटन नूं दबाना है, दोस्तां नाल शेयर करना है। ਸਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਟਿਪਸ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੁਰਸ਼ਾਵਰ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਆਉਣ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਹੀ ਉਹ ਦਾਣੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਫਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ, ਫਰੂਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੌਦਾ ਪੁੰਗਰੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਕੌਂਪਲਾਂ ਕੱਢੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਆਇਆ ਉਹ ਝੜ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਤਾਕਤ ਉਹਦੀ ਫਰਵਾਨੀ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗੀ, ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾੜੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾੜੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਔਰ ਲਵਾਓਗੇ, ਆਪਣਾ ਫਰੂਟ ਖਿਲਾੜੇਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਨਈ ਕੌਂਪਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੱਲ ਫਲ ਆਏਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਰੇਖਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਮਾਸ ਵਾਏ ਇੱਕ ਖਾਦ ਦੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ DAP ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ, ਇਹ ਖਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਆਪਣੇ ਫਲ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।